तो यही कहेंगे कि आग लगे हमरे झोपड़िया में, हम गावई मल्हार, यही कर रहे हैं योगी जी। नहीं जा रही योगी जी, विकास के नाम पर तो बस संस्थानों, प्रतिष्ठानों, नगरों, जिलों के नाम बदले जा रहे हैं। क्या नाम बदलने से सूरत बदल जाती है? कहा जा रहा है बच्चे का नाम अगर राम की जगह रहमान रख दें तो क्या उसकी सूरत बदल जाएगी? मैडम ये कहा जा रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, हम भी कहेंगे कि हम चांद पे हैं तो हो गया विकास। मैडम ये कहा जा रहा है, आप कहने से कुछ होता है क्या? कहने से पेट भरता है? गिलास का पानी तस्वीर में रखा हो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। और जो हॉस्पिटल गए वापस नहीं लौटे, और जिनकी लाशें बालू में दबा दी गई, पूरा गंगा का तट सबका सब कब्रिस्तान बना दिया गया, ये किसके शासन में हुआ है? क्या वो तस्वीरें भी किसी और देश की हैं? जो चुनरी ओढ़े हुए हैं, जो पीताम्बरी ओढ़े हुए हैं, क्या वो सारी लाशें जो है वो किसी और देश की हैं? तो ठीक है, इस तरह के उसको क्या कहेंगे कि किसको छल कर रहे हैं, वो किसको धोखा दे रहे हैं? वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, और कर क्या सकते हैं। हमारे यहाँ एक किस्सा कहा जाता है भोजपुरी में, गोरखपुर के लोग समझेंगे और वहाँ पर जो बैठे होंगे बड़े बड़े पदों पर वो भी समझेंगे कि गाल देबो बजाई सास जई है लजाई। तो गाल बजा रहे हैं ये लोग, जिम्मेदार पदों पे बैठ के गाल बजा रहे हैं। अंदर क्या दर्द चल रहा है? 200 रुपए का तेल आपके घरों में भी आ रहा होगा, आपको कैसा लग रहा होगा ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है। और बड़ा अच्छा हुआ कि राजनीति के माध्यम से समाज के करीब मैं आई और गरीबों का दर्द भी देखा। देश हित में है, एक के जेब से निकाल कर उसके ऊपर दुनिया भर का टैक्स का भार डालकर और फ्री में अनाज बांटकर सबकी आंख में धूल झोंक कर अडानी अंबानी का जो वो जेब भर रहे हैं और जो उनका खजाना भर रहे हैं, तो और कहेंगे क्या। उन्हें मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है? मोदी जी के घर से आ रहा है। ये वही प्लानिंग है, ये वही प्लान है जो राइट्स टू फूड की बात कर रही थी कांग्रेस। मैं कांग्रेस की हिमायती नहीं हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी, और उसी फूड को फ्री का अनाज कह के जो दिखा रहे हैं मोदी जी को, बड़ा एहसान कर रहे हैं जनता पर, तो वो हिंदुस्तान के जनता का अनाज है, और वो आँखों में धूल झोंकना बंद करें। तो ठीक है, अडानी अंबानी से पकौड़े क्यों नहीं तलवाते हैं? जिन लुटेरों को, गुजरातियों को उन्होंने पैसा यहाँ का बैंक का देकर और उठाकर भगा दिया यहाँ से, और उसके बाद एनपीए करते हैं, उनका कर्जा माफ़ करते हैं, और किसानों का कर्जा माफ़ करना तो दूर, उनको गन्ने के पैसे नहीं देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का जो उल्लंघन करते हुए वो उसका ब्याज नहीं दे रहे हैं, तो और क्या करेंगे मोदी जी? ऐसा है ना, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि बीजेपी का एजेंडा, बीजेपी हाँ, गन्ने का भुगतान तो प्रधानमंत्री ना करेगा, मुख्यमंत्री नहीं करेगा। आरटीआई में खुलासा हो चुका है, गन्ने का 90% भुगतान हो चुका है। आप पत्रकार हैं, आप ही मुझे बताइए ना, आरटीआई के यहाँ किसान खड़े हैं, यही लोग बता देंगे 90% भुगतान हो चुका है। देखिए, अरे यार आप उनको बोलने दीजिए, लग लग कहीं करा हुआ है 14 दिन में हुआ सुप्रीम कोर्ट का। अगर आप लोग, आप अगर उनकी तरफ से ये सब पूछने आए हैं, जिरह करने आए हैं और पहुंचाने आए हैं उनकी बात, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ किसान खड़े हैं, ये सब हमारे देवरिया के ये बड़े बड़े किसान लोग हैं, ये गन्ना बोते भी हैं, इन्हीं से पूछ लीजिए कि इनको मिला है पैसा, और अगर मिला है तो क्या ब्याज सहित मिला है? ब्याज मिला है? नहीं मिला। और आप लोग जरा सा योगी जी से पूछिएगा जाकर कि अगर केजरीवाल कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री करेंगे बिजली, तो उनको कहा जाता है ये फ्री की बात करता है, हाँ सबको नकारा बना रहा है। और आज पूरे देश में गुजरात और उत्तर प्रदेश की बिजली का जो हाल है, रो रहे हैं उनके भक्त लोग, विनय भैया की हालत खराब है, ठीक है ना, बड़े मोदीवादी बनते थे, ठीक है ना, ऐसा अंधेर कहाँ से देता है केजरीवाल? अपने घर से बिजली फ्री करता है, और कहाँ क्यों ये लूट रहे हैं इतना बिजली? If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.